नमस्कार, मैं तबरेज श्रीअरविंदो सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र बोर्ड के कक्षा 5 के हिंदी विषय के एक पाठ जिसका नाम है संगणक। आज हम इस पाठ को बताते हुए प्रयोग करने जा रहे हैं इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य का। तो आइए इस पाठ का सारांश समझते हैं। प्रस्तुत पाठ संगणक के विभिन्न भागों के बारे में जानकारी पर आधारित है। तो आइए इसकी नवीनता और उपयोगिता समझते हैं। कंसेप्ट से संबंधित निर्देशों के आधार पर आसपास के परिवेश का अनुभव करते हुए गृह कार्य करवाया जाता है। पढ़ाए गए कंसेप्ट को वर्तमान परिवेश से जोड़ते हुए विद्यार्थियों के अंदर बेहतर समझ को विकसित किया जाता है इस नवाचार के माध्यम से, जिससे दीर्घकालीन तक विद्यार्थियों के अंदर कंसेप्ट की जानकारी समन्वित होती है। तो आइए इसके क्रियान्वयन को समझते हैं। सबसे पहले जो इस नवाचार के माध्यम से जिस कंसेप्ट का पुनः अध्ययन किया जाता है वह है सृजनात्मक लेखन। इसके लिए शिक्षक को सबसे पहले कुछ बातें सुनिश्चित करनी होती हैं। वो ये है कि पाठ को पूरी तरीके से पढ़ाया जा चुका है कि नहीं, और शिक्षक उसके सार को, पाठ के सार को अच्छी तरीके से बच्चों को समझा चुके हैं कि नहीं, ये सुनिश्चित करना होता है। दूसरा, शिक्षक को कई तालिकाओं की प्रति अपने पास रखनी होती है, यानी स्टेशनरी चीज़ें शिक्षक को ज़रूरी होती हैं, और जो तालिका की प्रति होती है वो कक्षा में बच्चों की संख्या के अनुसार होनी चाहिए। उसके बाद शिक्षक बच्चों से बोलते हैं कि आपको घर जाना है और ये तालिका अपने अभिभावकों को दे देना है। उसके बाद आपको उनका, अभिभावकों का संगणक चलाने का अनुभव, इस तालिका में उनका अनुभव जानना है और इस तालिका में उनके माध्यम से अनुभव को लिखना है, और दूसरे दिन जब आप ये तालिका भर कर लाएंगे तो इसके माध्यम से हम आपको पाठ के कंसेप्ट का पुनराध्ययन करवाएंगे। सभी बच्चे जाते हैं, अपने अभिभावकों की मदद से वो तालिका को भरते हैं और उसमें वो संगणक चलाने का उनका अनुभव लिखते हैं उनसे सुनकर, और उसके बाद दूसरे दिन लेकर आते हैं। फिर शिक्षक उस अनुभव के माध्यम से बच्चों से को खड़ा कर करके पाठ का पुनः अध्ययन करवाते जाते हैं, और बच्चा खड़ा होकर अपनी अपनी तालिका से पाठ की जो अनुभव उन्होंने लिया है उसकी व्याख्या करते जाते हैं। तो ये था नवाचार का क्रियान्वयन। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के क्रियान्वयन से कौन कौन से सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं। पहला, सुनी एवं पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु के बारे में बच्चे बात करते हैं, तर्क देते हैं एवं निष्कर्ष निकालते हैं। दूसरा, अपरिचित शब्दों से बच्चे परिचित होते हैं एवं उन्हें शब्दकोश से भी खोजते हैं। तीसरा, बच्चे भाषा की बारीकियों को समझते हैं एवं अपनी खुद की भाषा का निर्माण करते हैं। तो ये थे सीखने के प्रतिफल। आइए जानते हैं कि शिक्षकों को कौन कौन सी विशेष बातें ध्यान में रखनी चाहिए इस नवाचार के क्रियान्वयन के दौरान। उन्हें ध्यान में रखना चाहिए कि गृह कार्य प्रयोगात्मक एवं अनुभवात्मक होना चाहिए। इस नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि 20 मिनट निर्धारित की गई है, शिक्षक इसे अपने अनुसार बढ़ा या घटा सकते हैं। तीसरा, इस नवाचार क्रियान्वयन की अवधि का निर्धारण 30:1 के अनुपात में करना चाहिए, यानी PTR 330 30:1 का होना चाहिए, यानी 30 विद्यार्थी हैं तो उनके बीच में एक शिक्षक होना अनिवार्य है। तो आइए जानते हैं कि इस नवाचार के माध्यम से CWSN यानी चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या क्या लाभ होता है। तो पहला, निम्न संज्ञानात्मक क्षमता वाले बच्चे अपनी बहु इंद्रियों के माध्यम से कंसेप्ट की स्वयं जांच करके कंसेप्ट को समझने में सक्षम होते हैं। दूसरा, अनुभवात्मक अधिगम काल्पनिक दुनिया को वास्तविक दुनिया से जोड़कर विद्यार्थियों के अंदर अधिगम को चिरकाल तक पहुंचाता है। तीसरा, यह ऑटिज्म से ग्रसित बच्चों को विभिन्न वस्तुओं एवं विभिन्न प्रकार के कंसेप्टों को विकसित करने में मदद करता है। तो ये थे CWSN वाले बच्चों को इस नवाचार से लाभ। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इनोवेटिव पाठशाला लेसन प्लान के अंतर्गत प्रयुक्त नवाचार गृह कार्य बहुत अच्छा लगा होगा, और हम ये आशा करते हैं कि आप इसे अपने विद्यालय में ज़रूर क्रियान्वित करवाएंगे। और यदि ऐसे और भी रोचक वीडियोज़ आपको देखने हैं
तो आप हमारे ZIIEI YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि ये वीडियो आप हमारे फेसबुक चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे ZIIEI फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।